अस्सलाम वालेकुम जी। यूएई दुबई के हवाले से एक बहुत ज्यादा अपडेट है, जो नई अपडेट है आप सब दोस्तों को देनी है वीजे के हवाले से, जो सोशल मीडिया के ऊपर तमाम प्लेटफॉर्म है उस पर एक ही खबर चल रही है। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी बना रहे हैं और मैंने देखा है इंडियंस भी बना रहे हैं कि पाकिस्तानियों के वीजे जो है वो बैन कर दिए गए हैं। तो मैं इस हवाले से मैंने कुछ रिसर्च किया है जो इंटरनेट पे अवेलेबल था, या जो दुबई में मुकीम पाकिस्तानी थे उनसे भी बात की है। तो उस हवाले से ये एक नई अपडेट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि पाकिस्तानियों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, उन्हें वीज़े नहीं मिल रहे, बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। तो इस हवाले से एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि कुछ लोगों के वीज़े रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन उनमें से जो एक मेजॉरिटी तादाद है वो लेबर के वीज़ों के हवाले से थी, जो मैनेजर हैं या इससे ऊपर के जो वीज़े हैं वो इनिशियल लग रहे हैं। आजकल वीज़े क्यों नहीं लग रहे हैं उसकी जो बहुत सारी वजूहात आ रही हैं। सबसे पहले जो एक चीज़ आ रही है कि कोई सिस्टम अपडेट हो रहा है वहाँ का, एक ये चीज़ आ रही है। दूसरा आ रहा है कि अभी क्योंकि पाकिस्तानियों के जो वीज़े हैं उनमें यकीनन वो प्रॉब्लम है, सिर्फ पाकिस्तानियों के भी नहीं, एक दो और ममालिक के भी लोगों को एक इसी तरह का ना मसला दरपेश आ रहा है। तो जो पाकिस्तानी हजरात हैं जो अभी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, मैंने कुछ दोस्तों से बात की है, कुछ यूट्यूबर्स से भी बात हुई इस हवाले से, उन्होंने कहा कि अभी आप जो दुबई का वीज़ा है या यूएई का वीज़ा है वो बिल्कुल अभी आप अप्लाई ना करें, अभी आप कुछ दिन सब्र कर जाएं जब हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि जो रिजेक्शन रेट है वो अभी तक ज़्यादा है। वैसे भी बहुत सारे पाकिस्तानी सिटीज़ यूएई ने बैन किए हुए हैं और ना ही उन्हें वीज़े भी नहीं मिल रहे, ना दुबई में काम करने के लिए परमिट्स मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने उन शहरों को बैन कर दिया। उसकी वजह हम पाकिस्तानियों के यकीन करें कुछ मामलात भी ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारे पूरे के पूरे सिटीज़, इवन हमारे एक दो डिस्ट्रिक्ट भी ऐसे हैं जिसमें से मेजॉरिटी उनके जो सिटीज़ हैं वो बैन कर दिए हैं। ये एक छोटी सी शॉर्ट अपडेट थी, बिल्कुल जहन में रखें कि पाकिस्तानियों के वीज़े मुकम्मल बैन नहीं हुए, आर्जी तौर पे मसला है जो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हल हो जाएगा।